भाई अल्लाह के नाम पे दे दे भाई, भाई अल्लाह के नाम पे दे दे। अली भाई आपको क्या हुआ है? बस यार ना पूछा कुछ, बस दर्द भरी कहानी है मेरी। आपके पास तो काफी सारी दौलत थी। बस अली भाई बताओ तो सही क्या हुआ है? चलो बताता हूँ तुझे। एक दिन अब्बा इस दुनिया में अब नहीं रहा, चला तो गया लेकिन कोई खजाना छोड़ कर नहीं गया। अली भाई अब्बा ने हाथ उठाया। अली भाई पता नहीं क्यों, अली भाई क्या अब्बा ने इशारा किया, कोई खजाने की बात तो नहीं कर रहा। खजाना? मोहसिन भाई अब्बा ने जो इशारा किया मुझे लगता कोई खजाने की बात कर रहा था, कोई इसने दौलत इकट्ठी की होगी। मुझे भी ऐसे लगता है अली भाई। अब कैसे पता कराएं, ये तो मर गया है। मुझे एक डॉक्टर का पता है जो ना 10 लाख का एक टीका लगाता है और बंदा 1 घंटे के लिए जिंदा हो जाता है। 10 लाख यार, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? सिर्फ यही एक मेरा मकान है, इसे बेचना पड़ेगा कि खजाना बहुत होगा अब्बे के पास, क्योंकि ये साला शूम था ना, इसके पास बहुत पैसा होगा। चलो मैं अपना मकान बेच देता हूँ, डॉक्टर का बता मुझे। अली भाई मैं डॉक्टर को भी लेकर आया, मैं उस डॉक्टर को अच्छी तरह से जानता हूँ। आप पैसों का बंदोबस्त करो, डॉक्टर को मैं भी लेकर आया। मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ, तो डॉक्टर को लेकर आ। हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ, 10 लाख लेता हूँ 1 घंटे का, जिंदा करना है आपके बाप को। डॉक्टर साहब आपके पैसों का इंतजाम हो गया, बस मेरे अब्बू को जिंदा कर दे 1 घंटे के लिए बस, इससे ठीक है। पैसों का बंदोबस्त हो गया, मैं देखता हूँ फिर आज। अली भाई मैंने टीका लगा दिया है, 5 मिनट बाद ये जिंदा हो जाएगा, सिर्फ 1 घंटे के लिए। आप मेरा कैश मुझे दे दें। ये आपकी आपका कैश आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। यार खजाना, यार 5 मिनट तो हो गया अब्बा नहीं उठा। अली भाई अब्बा अब्बा ओए अली भाई बाबा छोड़ो यार छोड़ो छोड़ो। अब्बा वो खजाने का बता रहे थे जो इशारा कर रहे थे। कौन सा खजाना? यार वो खजाना का इशारा नहीं कर रहे थे, कुछ दौलत नहीं थी किसी से। बच्चे मैंने सोचा कि मैं मर तो वैसे रहूं कि कश लगाता जाऊं, ये ऐसे कर रहा था मैं, अब कश लगाओ मैं मरना चाहता हूं।